और हमने फिल्मों में, सीरियल में, मूवीज में यही तो देखा है कि चीजें मॉर्फ करके लोग फेक वीडियो बना लेते हैं। इस्टी वो मुझे खुल के बताओ क्या बोलना चाहती हो। अच्छा सबची, मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया में हजार वीडियो बनते हैं, लोग तरह तरह के वीडियो बनाते हैं, लेकिन जब बात कानून की आती है तो सबूत पहले फॉरेंसिक जांच के लिए जाता है, उसके बाद उस सबूत को कोर्ट में लाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो फॉरेंसिक जांच के लिए गया होगा, और अगर गया भी होगा तो मुझे ये डाउट है कि इस फेक वीडियो को असली बनाने के लिए किसी ने शायद पैसे भी खिलाए होंगे। यू नेवर नो। सिस्टर मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुमको वापस कॉल बैक करता हूँ। ओके। क्या हुआ ऋषभ, क्या बोल रही थी? होगा तो अब समीर, एक नहीं बहुत सारे सवाल उठेंगे, होशल इनको इन सारे सवालों का जवाब देना होगा। आएगी प्रीता और उस गुंडे को यहाँ से ले जाएगी तो हम पे वो फरार कैदी को पनाह देने का इल्जाम नहीं लगेगा। हाँ वो तो है मॉम, किसी से कुछ नहीं कहना है, याद है ना? ओके बेटा। ओह माय गॉड, अब कौन आया होगा इस वक्त, कहीं पुलिस तो नहीं आ गई? जाके देखती हूँ। शोलिन अब देखना, पुलिस ना प्रीता और गुंडे दोनों को ले जाएगी यहाँ से। पर आई होप वो बापी अपना मुंह ना खोले। ऐसा कुछ नहीं होगा शोलिन, चलो देखते। कब से डोरबेल बज रही है, मैं देख। नहीं मैं नहीं, तुम दोनों रुको मैं देखती हूँ। मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में। मुझे आपसे पूछना चाहिए कि बिना मेरी परमिशन के, बिना किसी से भी पूछे, आप आधी रात को मेरे घर के बाहर बेल बजा रहे हैं। मेरे घर वाले डर गए, सब लोग उठकर बाहर आ गए कि क्या हो गया, आधी रात को किसने बेल बजाई। मैं आपके घर में अगर बिना बताए बेल करूंगा आधी रात को, आप भी डरेंगे, आपकी फैमिली भी डरेगी। आपको अगर किसी के घर में जाना ही था, इतनी ही इमरजेंसी थी, तो एटलीस्ट इन्फॉर्म करके आना चाहिए था, राइट? शायद आप भूल रहे हैं कि हम पुलिस वाले हैं, और पुलिस कभी किसी के घर इन्फॉर्म करके नहीं जाती, खास तौर पे उस घर पे जिस घर के बारे में हमें पता चलता है कि वहां पर कुछ गलत हो रहा है। अंडरस्टैंड? सो रही होगी। तू थक गया क्या? उसे क्यों छुड़ा? बहुत भारी है यार वो। हाँ तो इसको ऐसे घसीट क्यों चल रहा तू? दादी की व्हीलचेयर यूज करना, उसको जहाँ लेकर जाना लेकर जा, समझा? क्या व्हीलचेयर ले? ठीक है, काम करता हूँ, पहले उस गुंडे को ना पर्दे के पीछे छुपाता हूँ। हाँ। उसके बाद व्हीलचेयर लेके आता हूँ। मैं हूँ यहाँ पे। ओके। क्या गलत हो रहा है और बात कैसे कर रहे हैं? जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं जैसे हमने कोई क्राइम किया हो। आप वर्दी पहनकर पकड़ी जाती हैं। आई होप आज ना पकड़े जाएं। यहाँ पुलिस आई है, हम इतने टेंस्ड हैं, और भाभी प्रीता को बचाने में लगी हुई है, और वहाँ वो करण प्रीता को जेल से बाहर निकालने में लगा हुआ है। इन दोनों का जो प्रीता के लिए प्यार है ना, पूरी फैमिली को ना ले डूबे। पहले दरवाजा खोलते तो हमारा पुलिस को शक हो जाएगा कि दरवाजा क्यों बंद है। प्रीता, मिस्टर ऋषभ, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है।
लॉर्ड ऋषभ भैया ने मामी जी को चुप करा दिया, वरना मामी जी तो प्रीता से इतना प्यार करती हैं कि प्रीता के अगेंस्ट जाने की एक्टिंग में भी इनका प्यार झलक रहा है। मामी जी की बातों से इंस्पेक्टर को पता चल जाता कि हम सब प्रीता से कितना प्यार करते हैं। अब सिर्फ इतनी सी बात कहने की है कि जब हमने खुद प्रीता जी के खिलाफ कंप्लेन की है तो हम उनको अपने घर में क्यों लेके आएंगे, क्यों सपोर्ट करेंगे? अगर मैं आपकी कंप्लेन करूं तो क्या आप मेरे से हेल्प मांगने के लिए आएंगे? नहीं मांगेंगे ना, सिंपल है, कैसे मांगेंगे? और ऐसे ही प्रीता जी को भी हम हेल्प क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। रही बात मेरी फैमिली की, मेरी फैमिली तो बहुत ज्यादा नफरत करती है। बताओ कितना नफरत करते सब लोग, कितनी नफरत करते हैं? बहुत। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग प्रीता से बहुत नफरत करते हैं। करेक्ट। और करें भी क्यों ना, उसने आपके घर की होने वाली बहू माहिरा पर हमला किया है। हाँ, वही तो। तो हो सकता है वो अपना बदला पूरा करने के लिए दोबारा आपके घर में पनाह ली हो उसने। अगर किसी ने हमें फोन करके इन्फॉर्म किया है तो हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। नहीं, मैं आपको यहाँ पर तलाशी नहीं लेने दूंगा। मुझे मेरी ड्यूटी करने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। इंस्पेक्टर, मेरे घर में बिना परमिशन के, बिना वारंट के कोई सर्च नहीं करेगा। मेरे पास आपके घर का सर्च वारंट है। आपके पास मेरे घर की तलाशी करने का वारंट है। कांस्टेबल, पूरे घर की तलाशी लो, एक एक कमरे को छान मारो। सर, क्या क्या कर रहे हैं आप? एक एक कमरे की तलाशी लो अच्छी तरह से। कम ऑन, मूव फास्ट। लगता है पुलिस इसी तरफ आ रही है। क्या करूं, कहां ले जाऊं उसको? जल्दी जल्दी, कम ऑन, फास्ट मूव। अरे कमरे के अच्छे से तलाशी लो, इस कमरे में देखो, इस कमरे में देखो। ओ गॉड, क्या कर रहे, क्या कर रहे? एक सुनो सुनो, कुछ देर तक तुम्हें इसी वॉशरूम में छुप के रहना पड़ेगा। बिल्कुल आवाज मत करना, कुछ भी मत बोलना, ओके? मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, बाहर पुलिस आई है। विनोद, उस कमरे में देखो, तुम यहां देखो। कोई देखिए, उसे फोन कर लेगा। मम्मी जी, ऐसा भी हो सकता है ना कि जब करण और प्रीता घर के अंदर आ रहे थे वो गुंडे को लेकर, तो उनको देखकर किसी ने फोन कर दिया। लेकिन शर्ले, लोगों को कैसे पता कि वो जो आदमी करण प्रीता अंदर लेके आ रहे थे वो गुंडा था? ये भी तो हो सकता है कि कोई पीप आके रोड पे गिर गया हो। ऋषभ जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है। ऋषभ जी, आपको नहीं लगता जो ये शैलन के पास वीडियो है मेरे दी का, उसमें कुछ गड़बड़ है? शैलन, मुझे प्यास लग रही है। I want to have a glass of water. जी। मैं अभी आया। ऋषभ ऐसे अचानक यहां से चला गया, मतलब ये कुछ तो करने जा रहा है, पर क्या? क्यों ऋषभ जी? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे फोन में जो वीडियो है उसमें कोई प्रॉब्लम है, इसलिए। आई वॉन्ट टू सी दैट वीडियो। अगर आज तुमने मुझे वो वीडियो नहीं दिखाई ना चले, मुझे तुम्हारे पर फिर से शक होगा। मेरे दिमाग में फिर से हजारों सवाल उठेंगे कि वो और कोई नहीं, सिर्फ तुम ही हो जो प्रीता जी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्योंकि सबूत तो वही छुपाता है ना जिसके मन में चोर होता है, जो किसी का भला नहीं चाहता, वही छुपाता है ना। शैलन, आई वॉन्ट टू सी दैट वीडियो। सर,
पकड़े जाएंगे और मैं भी पकड़ा जाऊंगा। थैंक गॉड, अगर ऋषभ को मैसेज नहीं आता ना तो ये यहां से जाता ही नहीं, और मुझे पक्का मेरा फोन देना पड़ता, मैं तो फंस ही जाती। बाल बाल बच गई भगवान, बाल बाल बच गई। एक मिनट, इस घर में किसी को चोट नहीं लगी है, फिर ये मेडिसिन और ऑइंटमेंट यहां क्यों? इंस्पेक्टर, आप प्रीता जी को ढूंढ रहे हैं? यस। मुझे मालूम है कि प्रीता जी कहां पर है। प्रीता जी को पकड़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए दादी के कमरे में तलाशी लेने के लिए, लेकिन दादी को साथ में लेना जरूरी है। अब वो बता रही कि मैं घर की बड़ी हूं तो उनका साथ में होना जरूरी है, तो पहले उन्हें लेना चाहिए। ओके। हाँ, आप कितना ख्याल रखते हैं सर। आइए ना, आइए आइए। चलिए करण, मैं इंस्पेक्टर को इस रूम से बाहर ले जा रहा हूँ, तू जल्दी से इस कमरे से बाहर निकल और कहीं घर के बाहर जाके छिप जा, जल्दी कर। मिस्टर ऋषभ, चलें? हाँ, ऑफ कोर्स यार, आप इंतजार कर रहे हैं। बार लगता है सब चले गए, अब मैं भी इस अलमारी के पीछे से बाहर निकलता हूँ। ऋषभ का मैसेज है ना? क्या बात कर रहे हैं आप लोग, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम चाहते भी नहीं। आपको समझ नहीं आ रहा? ठीक है, मैं समझाती हूँ। देखिए, मैं इस घर की बड़ी हूँ, उम्र में भी और तजुर्बे में भी, है ना। मैं इस घर की दादी हूँ, मैं क्यों छुपाऊंगी किसको? इट इज पॉइंटलेस, ये सब गलत है, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, पुलिस वालों का काम है शक करना, और शक करने से ही सबूत मिलने की शुरुआत होती है। मुझे आप लोगों में से किसी पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आप सभी के कमरे चेक करूंगा। और शुरुआत होगी दादी आपके कमरे से, आप इस घर की बड़ी हैं तो शुरुआत आपसे। हे भगवान, ये इंस्पेक्टर तो अब सबके कमरे चेक करेगा, ये प्रीता और करण कहाँ छुपे होंगे? कि कहीं आप पुलिस के सामने कुछ बोल ना दे और हम सब फंस जाएं। विनोद, तरह इसके पीछे देखो। जी सर। बाय द वे मॉम, रमोना और मायरा पुलिस वालों को देख के इतना डर गई है कि रमोना अपने रूम से बाहर ही नहीं आ रही है। मैंने मायरा से कहा है कि उनके साथ ही रहे और उनका ख्याल रखे। ये अलमारी खुल नहीं रही है, इसके अंदर कोई है क्या? अरे सर, हाय रब्बा, कहीं भाई और प्रीता इस अलमारी के अंदर तो नहीं छिपे? मैंने करण को मैसेज किया था कि कहीं घर के बाहर जाके छिप जा, नहीं ऐसा तो नहीं वो घर के अंदर ही छिप गया? अब तो मर गए। ठीक है, आपकी दादी। अरे इंस्पेक्टर, आप मेरी मॉम की बात नहीं समझ रहे हैं। मेरी मॉम कहना चाहती कि मुझे देखिए, अब आई मीन टू से इन्हें देखिए, कितनी भोली, कितनी मासूम, कितनी इनोसेंट है। आपको क्या लगता है इतनी भोली इंसान किसी मुजरिम को अपने कमरे में छुपा सकती है? जवाब दीजिए। हाँ सर, मैं बहुत भोली हूँ, दिल की बहुत सच्ची हूँ, और मैं तो इस घर की दादी हूँ, इनकी दादी हूँ। मेरी नहीं, मेरी दादी है, मेरी, ऋषभ की। मैं ऐसा क्यों करूँगी सर? एक मिनट। क्यों, क्या हो? मैंने वहां से किसी को जाते हुए देखा है। अरे कोई नहीं है सर, आप
कोई नहीं है, बोला था मैंने। इसमें कोई नहीं है। विनोद इसे खोलो। इसमें भी कोई नहीं है। नहीं, बोला था सर आप। करीना जी, आपका रूम कहाँ है? चलिए। चलिए। ये है मेरा रूम, प्लीज चेक कर लीजिए। उसके पास कोई जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। आपको कुछ भी विश्वास नहीं है? ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। मैं अभी उसके पास जाती हूँ, उसे उठाने की कोशिश करती हूँ, फिर आप देखिए कि वो मुझे क्या जवाब देता है। मैं जा रही हूँ। समीर, मेरे लाल, मेरे पुत्र, मेरे सोना, ऊर्जा। चाची, 5 मिनट और सुन लेना प्लीज। नहीं बेटा, तू और नहीं सो सकता। पुत्र देख, तुझसे मिलने कौन आया है? जी, घर की टेरेस चेक करेंगे। टेरेस का डोर खुला या बंद है? खुला। कम ऑन, लेट्स गो। विनोद, पूरी टीम को लेकर टेरेस पे आओ। कम ऑन, लेट्स गो। ऊपर क्या है इंस्पेक्टर? मैंने करण और प्रीता को उस ड्राइवर के साथ ऊपर जाते हुए देखा था। I'm sure वो दोनों टेरेस पे छिपे हुए हैं। अब पुलिस प्रीता को पकड़ लेगी और उसे यहाँ से ले जाएगी। ये नजारा तो माहिरा को भी देखना चाहिए। अभी बुलाती हूँ उसे मैसेज करके। अच्छा, तुम्हें ये मास्क पहनाऊंगा तो पुलिस तुम्हें पहचान नहीं पाएगी, राइट? हाँ, शौक क्यों लगता? तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ मैं, ओके? मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मेरा दिमाग नहीं चल रहा है और इस वक्त मेरे पास तुम्हारी शौक थेरेपी के लिए भी टाइम नहीं है। किसी भी वक्त पुलिस यहाँ पर आ जाएगी। जल्दी सोचो क्या करना है, यहाँ से कहाँ जाना है। ये शौक थेरेपी नहीं है, स्विमिंग थेरेपी है। कम ऑन, फास्ट, जल्दी चलो। प्रीता का नाम सुनते ही तो इंस्टेंटली रिएक्ट करती है, पर आज इन्होंने रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर वाटर टैंक में प्रीता है तो उसके साथ साथ मेरा बेटा करण भी है। मैं अगर चाहूं प्रीता को अरेस्ट करवाना तो भी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि प्रीता के साथ साथ मेरा बेटा करण भी फंस जाएगा और मैं इस प्रीता अरोड़ा की वजह से अपने बेटे को किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसाना चाहती। मिस्टर ऋषभ, अरेस्ट पर तो देख लिया हमने, लेकिन रीता अरोरा यहाँ भी नहीं है। आई एम सॉरी, इतनी रात को हमने आपको तकलीफ दी। नहीं नहीं सर, यू डोंट नीड टू बी सॉरी, आपका काम है वो तो आप करेंगे, आपकी तसल्ली हो गई। चलो सर। नो प्रॉब्लम, आइए सर, मैं छोड़ दूँ। ओके, आई थिंक वो चले गए। वन सेकंड, मैं देखूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, इंस्पेक्टर ने टेरेस पर भी देखा, वाटर टैंक में भी देखा, करण और पिताजी यहाँ पर भी नहीं, तो फिर हैं कहाँ? वाटर टैंक में। वाटर टैंक में? हाँ, करण और प्रीता इस वाटर टैंक में है। करण, अरे आराम से। भाई तू लेके जा इसको। प्रीता पूरी तरह भीग गई है, इसे नीचे अपने कमरे में ले जाओ और अपनी एक ड्रेस दे दो। जी। ऐसे भी रहेगी तो बीमार हो जाएगी। मैं भी चेंज कर लेता हूँ। करण भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं है कि पुलिस वालों ने टैंक चेक किया था, वो भी टॉर्च मार के, आप लोग दिखे कैसे नहीं? अबे एमपी करण दूसरा, मैं क्या करता हूँ कैसे करता हूँ मैं जानता हूँ, बाकी डिटेल्स बाद में बताऊंगा। हाँ, ले जा इसको, आराम से लेके जाइए उसको। आज ना मुझे तुझ पे बहुत प्यार आ रहा है। मैं अगवा को नहीं करना, चल जा उधर, कपड़े चेंज करके आ पहले। एक बार गले में मेरे, वाच मत, देख जाके कपड़े चेंज करके आ पहले। चल पहले कपड़े चेंज करके चल। मुझे लगता है हम दोनों में से किसी की कुंडली बहुत खराब है और वो तुम हो, तुम्हारी कुंडली खराब है। मेरी कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तुम्हारी कुंडली खराब होगी। कि फाइन, हम दोनों की कुंडली खराब है, लेकिन एक इंसान है जिसकी कुंडली बहुत अच्छी है, उसका नाम है प्रीता अरोरा। क्या किस्मत लेके पैदा हुई है, कुछ भी करो वो बच ही जाती है। अरे पुलिस उसके पीछे पड़ी है, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस लगा है उस पे, पुलिस ने उसको फरार कैदी घोषित कर दिया है, लेकिन देखो हर चीज को ठोकर मार के वो लड़की बच गई। लूथरा परिवार में से कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता, लेकिन सब लोग उसका साथ दे रहे, पता नहीं क्यों। यार काम कर सकता है वो, मैंने सोचा नहीं था, तू एक काम कर, तू अभी मेरे साथ क्लिनिक में चल, मैं तेरे को अभी फिटनेस। अरे क्लिनिक में जाने की जरूरत क्या है जब डॉक्टर यहाँ है। वेट अ सेकंड, मैं हमेशा अपना मेडिकल किट अपने साथ लेके चलती हूँ, मैं अभी आई। मतलब आपकी किट? आप ओ मैडम, क्या है ये, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को और भी जाने का है, अगर आपको चलना है तो जल्दी करो, नहीं तो मेरे को छोड़ो, आप है ना दूसरा ऑटो ले लेना। हाँ हाँ भैया, जाइए जाइए, आप चले जाइए, मैं दूसरी ऑटो लेके आ जाऊंगी, और मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, चार कदम चलते हैं नहीं कि। हाँ ठीक है मैडम, मत देना, रखो अपने पास। Let's sit here. तुमने मेरे ट्रीटमेंट के लिए ऑटो छोड़ दिया, आई मीन तुम्हें भी कहीं जाना होगा ना। How wonderful is this? ऐसा प्यार आजकल कहाँ देखने को मिलता है। बड़ी बड़ी बातें बोलती हो यार तुम। हाँ, well all the best for your dreams यार। Thank you so much. Thank you Dr. Chahat. ऑटो ऑटो। आपको ऑटो रोकने की जरूरत नहीं है, आप, मैं अपने ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो आपको ड्रॉप कर देगा। No thank you, पर मैं चले जाऊंगी, जिंदगी तो चलती रहती है, और यही जिंदगी चलाने के लिए तो मैं हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। मैं चलती हूँ। Wonderful to see you. Thank you. Thank you. All the best. Thank you. लूथरा परिवार में से कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता, लेकिन सब लोग उसका साथ दे रहे, पता नहीं क्यों। शर्लिन, एक आइडिया है, उसके हेल्प से ना ये ड्राइवर को घर से भगा देंगे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय वो ड्राइवर है ना, तो पहले वो सॉर्ट करते हैं, और रही बात प्रीता की तो उसके बाद देख लेंगे, और एक बार ड्राइवर भाग गया तो प्रीता को बचाएगा कौन। पुलिस कस्टडी से भाग गई तो क्या हुआ, कोर्ट के फैसले से तो नहीं भाग सकते ना, और कोर्ट ने तो उसके अगेंस्ट फैसला ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, सिर्फ सुनाना बाकी है। लेकिन अगर ये ड्राइवर वहाँ पहुँच गया और उसके फेवर में गवाही दे दी ना, उसके बाद तुम्हारी मेरी कोई भी गवाही काम नहीं आएगी। उसकी तरफदारी कर रही, कोई तरीका हुआ यार, मेरे कपड़े पहना रहे हैं उसको, गुंडा है, गुंडा मवाली है उसको, जिसको कपड़े पहना रहे तू, मेरे शर्ट गीली थी। अरे तू गीली सूखी मत करा, आज के बाद अगर तूने मेरे कपड़े किसी को दिए ना, मत पिटेगा तू मुझसे। देखना अब मेरा पति कितना मैच्योर बिहेव करेगा। प्रीता जी, एवरीथिंग इज नॉर्मल ना, सब ठीक है ना। मैं वही सोच रहा था कि अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, तो सबको थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, है ना। अरे कौन है बता। अरे सृष्टि है। सृष्टि, मैं कब से घर के बाहर ही थी, एक्चुअली पुलिस के जाने का इंतजार कर रही थी मैं। और कृतिका, समीर तुम लोग भी चलो अपने अपने कमरे में सो जाओ। नहीं दादी, मुझे नींद ही नहीं आ रही है, मैं ठीक हूँ। चलो साथ में। जी चल। तुम क्या खड़ी हो, चलो ना। मैं यहीं रुकता हूँ, तू जा। तू मेरे साथ आ, जरा तेरे से बात करनी है। बोल ना। कब के सामने करूँगे, आना मेरे साथ। प्रीता जी को मारने के लिए उसको पैसे दिए गए थे, अब ऐसे केस के अंदर प्रीता जी मायरा को कैसे मारेंगे, वो तो उनका मर्डर प्लान कर नहीं सकते ना। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे सृष्टि ने ऐसा कहा कि जब प्रीता जी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो फिर वो वीडियो में कैसे आ गया।
चोरिन के पास जो वीडियो है वो बनी कैसे? और इसलिए मुझे सृष्टि का सवाल एकदम करेक्ट लगा कि जो काम प्रीता जी ने किया ही नहीं वो वीडियो में रिकॉर्ड हो कैसे गया। और इसलिए मुझे लग रहा है कि उस वीडियो के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मॉफ्ड है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम है। भैया मामा बहुत अपसेट है, उन्होंने अभी आप दोनों को रूम में बुलाया, प्लीज चलिए। अरे यार इतना क्या, सब लोग अपसेट हैं यार। मैं चाहती हूँ कि तुम माहिरा से जाके बात करो, उसे समझाओ कि तुम उससे प्यार करते हो, उसे शादी करने वाले हो। तुम प्रीता को सिर्फ इंसानियत की वजह से हेल्प कर रहे हो, तुम्हारे दिल में प्रीता के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, उसे इस बात का यकीन दिलाओ। बात करोगे ना मायरा से? जी बुआ, मैं बात करूंगा मायरा से। थैंक यू बेटा। करीना बुआ, क्लासेस में हमने एक्सपेरिमेंट किए थे तो मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि ये जो गैस है ये बहुत हार्मफुल है, इसको यूज नहीं करना है क्योंकि लोग बेहोश हो सकते हैं। तो हम इसे पूरे घर में स्प्रे कर देंगे, एटलीस्ट 10 मिनट के लिए सब सो जाएंगे और उसी 10 मिनट में हमें बापी को बाहर भगाना होगा। अरे लेकिन बापी भी लिविंग रूम में है जहाँ प्रीता और सृष्टि है, उन्हें सुलाने के लिए ये गैस हमें वहाँ पे स्प्रे करनी पड़ेगी। अगर हम गैस वहाँ पे स्प्रे करेंगे तो बापी भी बेहोश हो जाएगा, उसे उठाएगा कौन? ये देखो मास्क है ना, तो ये मास्क मैं भी पहनूंगी, तुम भी पहनना, और तुम्हें एक मैं दूंगी जो तुम बापी को पहना देना, जब तक मैं सब जगह स्प्रे कर दूंगी तो वो इतनी गैस इनहेल नहीं करेगा, उसे हम फिर फटाफट बाहर भगा देंगे। ओके फाइन, लेट्स गो। मैडम, इन लोगों ने काफी देर से बांध के रखा है, मेरे पांव सो गए, उठा नहीं जा रहा। मैडम मैंने हमें इसे उठा के यहाँ से बाहर भेजना होगा, तो जल्दी जल्दी उठाओ। सुनो, कुछ हो जाए किसी के हाथ मतलब हो। ठीक है मैडम। मैं हाथ पकड़ो, पापी बिल्कुल ऊपर मत देखना, रिएक्ट मत करना, और ऐसे बिहेव करो जैसे तुम हमें धक्का मार के यहाँ से भाग जाओ। वाए पापी, ए रुक, करें पक, करें पकड़ लो, पकड़ो पापी। मगर मुझे लगता है लोगों ने हमें देख लिया, लेकिन उनको हम पर शक नहीं है। याद रखना, कोई भी अगर पूछेगा तो ये बोला कि बापी भागने की कोशिश कर रहा था, हम बाहर उसके पीछे से बात करने की कोशिश की लेकिन वो हमको धक्का मार के यहाँ से भाग गया। कर गया वो वहाँ पे। करन भाग। जवाब दे, जवाब दे। सृष्टि, सृष्टि क्या क्या कर रही है? पैसे किसने दिए थे? अरे अरे शशि, मैंने कहा था ना कि मैं ऐसे गुंडे और बदमाशों से सच्चाई निकालने में एक्सपर्ट हूँ, आप इसे मेरे हवाले कीजिए। देखना मैं 2 मिनट के अंदर इसके मुंह से इसकी सच्चाई कैसे निकालती हूँ, आप इसको मेरे हवाले कीजिए, और ये सब करना मेरे बाएं हाथ का खेल। मेरा मतलब है दाएं हाथ का। जवाब दे, बोल किसने कैसे। बोल, पिता को मारने के लिए किसने? ओके ओके, जो भी सफाई देनी है अदालत चल कर देना। ओके ले चलो इसे। गीता जी आप चिंता मत कीजिए, हम बस आ ही रहे हैं। कोर्ट करण पिता की लव स्टोरी का लव तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मैं इस लव स्टोरी का दी एंड करूंगी। तक वाटर टैंक से करण और प्रीता जी बाहर नहीं है तो किसी को भी नहीं मालूम था कि वो लोग वाटर टैंक के अंदर है, मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन उनको कैसे मालूम था? बोल दीजिए, फिर अचानक से पुलिस आ गई ऊपर टेरेस पर ढूंढने के लिए, वो कैसे वहां पर पहुंचे, उनको बोला किसने वहां पे? तो केस में भी मेरी गलती है, मुझे नहीं मालूम। पुलिस का काम है चेक करना, वो चेक कर रही थी, मैंने कुछ नहीं किया है। चलिए ना, आवाज नीचे करके बात करो।
मुझे कोर्ट जाना चेंज करना है, अब जाइए। ले जा। I'll see you in the court. बहुत प्रीता प्रीता करते हो ना, आज के बाद प्रीता और उसका पूरा खानदान हमारी जिंदगी से दूर हो जाएगा। कहाँ थी तू सारी रात? यहीं पर बाहर ही छूट पर कॉल मुझसे सृष्टि, मुझे पता है तू नहीं थी घर पे। मैंने देखा सुबह तूने वो अपनी रजाई के नीचे तकिए लगाए हुए थे ताकि हमें पागल बना सके कि तू सो रही है और तू कहीं और थी। मुझे बता तू कहाँ थी। माँ मैं तो सृष्टि, तुझे पता है ना मैं कुछ पूछ रही हूँ तो मुझे जवाब चाहिए होता है। सृष्टि तुझे पता है ना मैं कितनी परेशान हूँ प्रीता को लेकर। हाँ कहाँ गई थी बता क्यों नहीं रही है। रुद्रांस क्यों गई थी तू? मैंने तुझे मना किया था ना वहाँ जाने से। मामा माँ प्लीज आप है ना गुस्सा मत करना, शांत रहना। हाथ नहीं था साहब। क्या सच में गुंडे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया? हाँ जानकी आंटी, उस गुंडे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वैसे इस पूरे ड्रामे में एक बात ये अच्छी हो गई कि दीपर जो इल्जाम लगे ना वो अब हट जाएंगे, दी बेकसूर साबित होगी और उसके बाद वो अपनी फैमिली में हमारे घर में हमारे साथ होंगी। माँ मुझे लगता है कि प्रीता घर वापस आ जाएगी, मुझे विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है माँ और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलो फिर हम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं, मुझे लगता है हमें कोर्ट चलना चाहिए, देर हो रही है। माँ मैं 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। अच्छा जल्दी जल्दी आ जा। हाँ नहीं अभी वैन नहीं आई उसकी। नमस्ते सर आंटी। नमस्ते बेटा। मम्मा ने बिहेव किया एक्चुअली उनकी कोई गलती नहीं है, आपसे अभी भी नाराज है उसके लिए सॉरी। आंटी नाराज थे? नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगा, ठीक तो बिहेव किया उन्होंने। आप कितने अच्छे हैं करण सर, मुझे एम्बेरस फील ना हो इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो ना। थैंक यू। मैं अंदर जा रही हूँ ऋषभ जी। मैंने कहा था ना सरला आंटी मुझसे नाराज है। कहाँ नाराज है, तू बहुत ज्यादा सोचता है, इतना मत सोच, कुछ नहीं है, चल। मिस्टर रवि, इस केस में जो कुछ भी कहना सुनना था दैट्स ओवर। हाँ बट हमारे पास इस केस के कुछ नए सबूत है जो मैं कोर्ट को दिखाना चाहता हूँ। माय लॉर्ड, अदालत अपना फैसला कल ले चुकी है, आज सिर्फ फैसला सुनाया जाना है। पर अभी तक सुनाया नहीं है। फैसला सुनाने से पहले कोई भी पक्ष कोई नई बात अगर सुनाना चाहता है या दिखाना चाहता है या कोई सबूत पेश करना चाहता है वो दिखा सकता है, क्योंकि कानून के लिए न्याय सर्वोपरि है। मिस्टर रवि, आप अदालत को बताइए कि आपके पास क्या सबूत है। थैंक यू। इसके बाद क्या हुआ? जब करण और प्रीता ने उस ट्रक ड्राइवर पापी को पकड़ लिया, आई थिंक उसे अपना गुनाह कबूल कराने के लिए, राइट? तो क्या कबूल किया उसने? सर पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसे किसी ने पैसे दिए थे प्रीता को मारने के लिए। और उस दिन जिस दिन मायरा खन्ना का एक्सीडेंट हुआ था, पापी रीता का एक्सीडेंट करने के लिए पहले से ही वहां मौजूद था। पापी वाला ट्रक बड़ी तेजी से आते हुए देखा, ये ट्रक के सामने आने ही वाली थी जब तक इतने में मैंने एन मोमेंट पर दी को पीछे धक्का मारकर उनकी जान बचाई है। और शायद मायरा का पैर ट्विस्ट हो गया होगा इसके लिए वो ट्रक के सामने आ गई, लेकिन दी ने कोई धक्का वक्का नहीं दिया मायरा को। ये बात अदालत जानती है, आप पिछली सुनवाई में भी आपने ये गवाही दी थी। जी जज सर, पिछली गवाही में मैंने यही बोला था, लेकिन ना ही कोर्ट ने कोई सबूत देखा था और ना ही मैंने कोई सबूत दिखाया था।
माय लॉर्ड, अदालत एक्सीडेंट को वो वीडियो देख चुकी है। जज साहब, जो वीडियो आपको दिखाया गया है, जो कोर्ट में पेश किया गया था, वो वीडियो फर्जी है, नकली है, वो ओरिजिनल नहीं है, उसे एडिट किया गया है। तो छेड़छाड़ के जुर्म में आपके ऊपर स्टेट की तरफ से केस दर्ज किया जाता है। ये असली वीडियो देखने के बाद अदालत पीता अरोड़ा को निर्दोष पाते हुए अटेम्प्ट टू मर्डर केस से बाइज्जत बरी करती है। तू यहाँ क्या कर रही? वो एक्चुअली करण सा, मैं इसी मौके का इंतजार कर रही थी। इससे पहले मैं शर्लिन के रूम में गई थी, लेकिन मुझे वहाँ वो चीज़ नहीं मिली जिसे मैं ढूंढ रही थी। तो मैं शर्लिन का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँची, तो मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ मुझे उस रूम में नहीं मिली, शायद वो इस रूम में मिल जाए। क्या शर्लिन का फ़ोन? नहीं, मतलब मुझे पता है लोग आजकल अपना अपना फ़ोन लेकर घूमते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक बार यहाँ पर आके ट्राई करके देखती हूँ, मिल गया तो अच्छी बात है। एक काम करते हैं, एक साथ ढूंढते हैं। या मैं भी वो फोन काफी दिनों से ढूंढ रहा हूँ। चल। पासवर्ड सजेस्ट किया था और उसकी वजह से हमें वो वीडियो मिला। अगर वो नहीं होते तो कुछ नहीं होता। मायरा, मैंने वो वीडियो देखा, तुमने प्रीता को ट्रक के सामने धक्का क्यों दिया? करीना बुआ, आपको मालूम है ना कि उस वीडियो में छेड़छाड़ किसने की थी? उस इंस्पेक्टर ने नहीं की थी, इन्होंने की थी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? Say yes. Say yes. एक मिनट ऋषभ, करीना सही कह रही है, ये बात हम घर पे जाके करेंगे, यहाँ पर नहीं। ऋषभ, अरे वो शशि, करण ऐसे भागकर ऋषभ जी के पीछे क्यों गया? मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है। वो मैं करण को थैंक्स बोलना चाहती थी, लेकिन वो भाग के चला गया। मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए। तो वैसे इतनी थकी हुई है हम, चल बेटा। मैं ये सोच रही थी कि इस वक्त अगर आपके हाथ की गर्म गर्म चाय पीने के लिए मिल जाए तो। अरे तो पहले बोलती ना, अभी लेकर आती हूँ तेरे लिए गर्म गर्म चाय, अदरक वाली। हाँ ठीक है माँ, आप चाय बनाइए, तब तक मैं नहा लेती हूँ। आज घर में सब कुछ पहले जैसा लग रहा है, लग रहा है घर की खुशियाँ वापस आ गई हैं। यही तो चाहती हूँ मैं, मेरी फैमिली हमेशा खुश रहे, स्वीट एंड हैप्पी फैमिली। बताओ तुमने वो नकली वीडियो बनाया क्यों? तुम्हें पता है अगर वो नकली वीडियो पुलिस को नहीं मिलता तो पिता को फिर से अरेस्ट नहीं होना पड़ता। अगर उस वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की होती तो पिता पे कोई इल्जाम ही नहीं लगता। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। पता, तुम्हारी वजह से अरोरा परिवार के सामने हम सबको शर्मिंदा होना पड़ा। अब देखना वो अरोरास इस बात का फायदा किस तरह से उठाते हैं। इनफैक्ट मैं अरोरास को अच्छे से जानती हूँ, इस बात का फायदा तो वो लोग उठाएंगे। इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी वो अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। काउंटर केस करेंगे तुम पे शर्लिन। उसमें गलत भी क्या हुआ, करना भी चाहिए। मैं भी यही कहना चाहती हूँ करण, ऋषभ जी आप लोग भूल गए, पापा जी की आज जो हालत है वो प्रीता की वजह से है। इससे आगे तुम्हें भूलने की जरूरत नहीं, सोच समझ कर तो बोला करो। ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। हर बात में प्रीता जी को इन्वॉल्व क्यों करती हो शर्लिन? प्रीता, 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 मुझे समझ में नहीं आता इस प्रीता को मैं कैसे हैंडल करूँ। करो ना हैंडल। तो आप जब देखो तो प्रीता का नाम क्यों लेते रहते हो?
आप तो समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं एक अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही हूँ जो अपनी देवरानी की फिक्र करती है। मैं इस घर के बारे में सोच रहा हूँ, समझ क्यों नहीं रहे हो? लो प्रीता भी आ गई। आजा बेटा, तेरी अदरक वाली चाय और तुझे समोसे बहुत पसंद है ना, गरम गरम समोसे। एक बात है सुनना, तेरे हाथ के बनाए समोसों का जवाब नहीं, वैसे ही थे वो मेरी बहू का ही जवाब नहीं। बहू हो तो सरला जैसी। और बीजी का भी जवाब नहीं खाने में। होली होली पुत्र फंस जाएगा गले में। खाया ही कहाँ है जान के आंटी, आई मीन खा रही हूँ खा रही हूँ, गरम है ना, थोड़ा टाइम लग जाए। और ये आता है वीकेंड में, नया सीजन आ रहा है फेमस शो का जो बहुत जल्द शुरू हो रहा है जी टीवी पे। 29 सैटरडे संडे रात 8 बजे देखना ना भूले। ऑफ कोर्स अरे लिटिल चैंप्स तो मैं हर साल देखती हूँ और इस साल मैं डेफिनेटली देखूंगी क्योंकि इसमें तुम दोनों रहोगे ना। थैंक यू डैड आ गए। डैड आ गए तो अब हम जाते हैं। बाय। ठीक है बाय। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। आई एम श्योर आप दोनों सारे का मैं पास चांस बनो बनोगे ना। हां बनोगे नहीं? यस बाय 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 रुचा बाय। यू आर नाउ स्वीट। उसे कॉल बैक तक नहीं किया? अरे अपने फोन में मिस कॉल तो दिखता ही होगा ना। चलो कोई बात नहीं, होगा एटीट्यूड। मेरे मन में आया मुझे थैंक्स बोलना था तो मैंने कॉल कर दिया। अब उसे मुझसे नहीं बात करनी तो मुझे भी नहीं बात करनी, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं। दोबारा फोन करती हूँ, ऐसे भी क्या बात हो गई? थैंक्स ही बोलने के लिए फोन कर रही हूँ ना। प्रीता मैंने कहा ना तुम्हें, करण शेरवानी ट्राई कर रहा है हम दोनों की शादी की, तो तुम प्लीज बाद में फोन करना। एक्सक्यूज मी, मुझे अच्छे से पता है कि करण कोई शेरवानी ट्राई नहीं कर रहा है। लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता है कि दूसरों का फोन उठाना बैड मैनर्स होता है? तो प्लीज दूसरों का फोन उठाना बंद करो। समझी? बाय।